हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है। चैप्टर का नाम है सामाजिक एवं आतिथ्य संस्थानों के प्रबंध, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ सोशल एंड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 351, कार्मिक प्रबंध को, प्रबंधन को और किस नाम से पुकारा जा सकता है? इसका उत्तर होगा व्यक्तिगत प्रशासन, श्रम संबंधन एवं मानवीय संबंध के नाम से इसको पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 352, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को शैक्षिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है? इसका उत्तर है कार्मिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 353, कार्मिक प्रबंधन को किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो कार्मिक प्रबंधन को किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? इसका उत्तर होगा गृह प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 354, गृहिणी को अच्छा भोजन बनाने के साथ साथ किस कला का ज्ञान होना चाहिए? इसका उत्तर है परोसने की कला। तो गृहिणी को परोसने की कला का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 355, सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस है बैकेट सर्विस, जो दावत ओवत होती है वहां पे डिनर जब करवाया जाता है तो उसे कहते हैं बैकेट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 356, भोजन प्रबंधन कैटरिंग कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही व्यवस्थित क्रम होगा फर्स्ट नंबर पे प्रबंधक, फिर निरीक्षक, फिर रसोईया, उपयोगिता कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 357, चक्रीय मेन्यू में कौन सा मेन्यू समाविष्ट रहता है? इसका उत्तर है 7 दिवसीय मेनू या दिन का मेनू, दो तरह के मेनू होते हैं जो इसमें समाविष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, अब मैं यहाँ पे आपको टेबल बना के बताई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे आप लिखिए, इसका टेबल जब बनाएंगे तो सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 डालिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए साइक्लिक मेनू, उसके सामने निश्चित अंतराल पर बारी, सेकेंड नंबर पे आला काटे मेनू। अब यहाँ जो फर्स्ट नंबर का है निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेनू है, और जो आला काटे मेनू है वो पकवानों का चयन, टेबल डी होटे मेनू, नियमित मेनू कहते हैं, और ड्यूजर मेनू आज का मेनू। क्वेश्चन नंबर 359, प्रबंध के कार्यों का कौन सा चरण होता है? अब प्रबंध के कार्यों में जो चरण आपको बताए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये 1 by 1 एक के बाद एक इस तरह के चरण होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 360, कार्बोहाइड्रेट से शरीर की कुल ऊर्जा की कितनी मात्रा की पूर्ति होती है? तो 50% से 79% तक कार्बोहाइड्रेट से शरीर की कुल ऊर्जा की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 361, कर्मचारियों से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में कौन संबंधित होते हैं? कार्मिक प्रबंधन होते हैं कि गृह प्रबंधन होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कार्मिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 362, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है? इसका उत्तर है कार्मिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 363, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दी हूँ, उसमें जो कार्यरत है उसमें आपको टिक लगा देना है। तो यूनिसेफ है फर्स्ट नंबर पे, फिर यूनेस्को है, फिर FAO है और WTO है। तो कौन सा इसमें उत्तर सही है? WTO। क्वेश्चन नंबर 364,
वह प्रणाली जिसे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध द्वारा प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संगठन। इसका उत्तर होगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 365। वह प्रणाली जो व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसका उत्तर है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वो व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 366। किसने उत्तम प्रबंधन के नियम निर्धारित किए हैं? इसका उत्तर है अमेरिकी प्रबंधकीय संस्था। क्वेश्चन नंबर 367। ऊतकों के क्षति के कारण किसकी मांग बढ़ जाती है? जब शरीर में ऊतकों की क्षति होती है तो प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन ऐसा तत्व है जो ऊतकों की क्षतिपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 368। ज्वर के मुख्य कारण क्या है? तो ज्वर किस किस वजह से होता है वो यहाँ पे बताया गया है, कुपोषण या संक्रामक रोग। अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं तो भी ज्वर हो सकता है, और कोई संक्रामक रोग लग जाता है, गंभीर बीमारी होती है तो उसमें भी ज्वर होने की संभावना 100% रहती है। क्वेश्चन नंबर 369। आयोजक के बजट पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है पार्टी का प्रकार तथा मेन्यू। किस तरह की पार्टी है उस तरह का आयोजक का बजट निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 370। भोजन परोसते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो भोजन परोसते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। इसका उत्तर होगा स्वच्छता, वातावरण, परोसने की विधि। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।